नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा डक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन के बारे में, कालमेक क्यू, और जानेंगे उसके कुछ फ़ायदे की भी और डिटेल जानेंगे कि भी कैसे अगर हम इसको यूज़ करें इस मेडिसिन को तो ये ऑल ओवर बॉडी पर कैसे कैसे वर्क करती है। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कालमेक क्यू जो एक मेडिसिन है वो एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसके अंदर जैसे कि जो चिरायता होता है जिसे हम जानते हैं, उसमें उस नाम से भी ये मेडिसिन जानी जाती है। और आप ये जानते हैं कि चिरायता जो है शुगर के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मानी जाती है, अगर हम जैसे आयुर्वेदिक में अगर जाने तो ये अब हम जानेंगे कि भी ये जो है पूरे ऑल ओवर बॉडी पे ये मेडिसिन कैसे वर्क करती है। जैसे कि अगर आपको हार्ट की डिज़ीज़ हो, या आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, या आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो, या आपको पेट की समस्या हो, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छे से वर्क ना कर रहा हो, या आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये कालमेक क्यू। अब हम जानते हैं कि भी ये मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सारी मेडिसिन वर्क करती हैं। अब इस मेडिसिन के सिम्टम्स जानिए कि भाई ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे ये पूरी ऑल ओवर बॉडी पे वर्क करती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको फ्लू हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, अचानक से आ जाना, जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है, आप जानते हैं कि होली जा चुकी है, मार्च का महीना चल रहा है, तो इसमें छोटे बच्चों को ये बहुत जल्दी ये चीज़ हो जाती है। मतलब जैसे कि एकदम से ही उनको जुकाम हो जाना, नाक बहना, गाढ़ा गाढ़ा सा निकलना, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको फीवर भी हो जाता है और पूरी बॉडी में पेन जो है बहुत ज़्यादा रहना, तो उसके लिए अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। अब हम जानते हैं कि भी ये पेट में कैसे वर्क करती है, यानी कि एब्डोमिनल में ये वर्क कैसे करती है मेडिसिन। तो अचानक से जैसे कि पेट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना, या लीवर को में दिक्कत आ जाना, लीवर को प्रोटेक्ट करती है ये मेडिसिन। भूख नहीं लगती, भारीपन लगता है, अपच की जैसी प्रॉब्लम होती है, पेट साफ नहीं रहता, हाथों में आप देखते हैं पीलापन एकदम से हो जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। अब हम देखते हैं कि ये हार्ट पर कैसे काम करती है। जैसे कि हार्ट में जैसे कि क्लॉट्स जैसे बन जाते हैं, तो ये मेडिसिन क्लॉट्स क्लॉटिंग को रोकती है कि भी क्लॉट्स ना हो दोबारा। और हाई बीपी के लिए के पेशेंट के लिए अच्छी मेडिसिन है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, तो ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब जब हम जानते हैं कि डायबिटीज़ में ये कैसे वर्क करती है, जैसे कि पैनक्रियाज में इंसुलिन ना बन पाना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इम्यूनिटी, जैसे अगर हमारे वीक हो रही है, बार बार ही हम बीमार पड़ रहे हैं, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और ये बहुत अच्छा हेल्प भी करती है। इसका नेक्स्ट सिम्टम आता है कि जैसे कि अगर आपका मोशन साफ नहीं होता, येलोइश कलर का होता है, पेट में मरोड़ होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होती है, पेट साफ नहीं होता, तो उसके लिए भी अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इंसोमिया के लिए भी अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि किसी को नींद नहीं आती है, स्ट्रेस की वजह से जो है हम परेशान रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। अगर आपको ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो आप कालमेक का यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में कि हम कैसी डोजेस इसकी यूज़ करें। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसकी मदर टिंचर फॉर्म में। तो मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस मेडिसिन की आपने 10 से 15 बूंदे लेनी है। आधा कप पानी लेंगे, चाय वाला कप लेंगे, उसमें आधा कप पानी डालेंगे। इस मेडिसिन की आपने 10 से 15 बूंदे लेनी है और धीरे धीरे सिप करके पियेंगे, जैसे कि आप चाय पी रहे हैं। तो ये मेडिसिन काम करेगी डाइजेशन में, मोशन में, डायबिटीज़ जिनको है और लीवर की प्रॉब्लम है या हार्ट की आपको प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगी। और अगर आपको फ्लू की प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि मौसम चेंज हो गया, अचानक से आपको सर्दी जुकाम हो गया या फीवर हो गई, तो आपने इस मेडिसिन की 10 ड्रॉप्स लेनी है दिन में 4 बारी। अगर जैसे कि अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो आपने इस मेडिसिन को हर एक घंटे पे रिपीट करना है, उसके बाद आप इस मेडिसिन को दिन में 4 बारी ले सकते हैं। अगर ये चीज़ बच्चों में है, बच्चों में अगर ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो हम कैसे दें? अगर वो 10 साल से कम के भी बच्चे हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं।
इस मेडिसिन की 5 ड्रॉप्स आपने पानी में डाल के देनी है दिन में 3 बार। और अगर बड़े हैं, बड़े बच्चे हैं, 7 से 8 साल के बच्चे हैं या 20 से ऊपर साल के बच्चे हैं, तो उनको आपने 20 ड्रॉप्स देनी है पानी में डाल के। तो लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।